नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से राधा कोल्ड स्टोर से निकलकर दामिनी और कावेरी दोनों माँ बेटी को एक्सपोज करने वाली हैं। हालांकि दोस्तों बात की जाए दामिनी की, तो दामिनी ने अपना एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है ताकि किसी को पता ही ना लग सके कि आखिर हो क्या रहा है। और इस कॉन्ट्रैक्ट में ये दिया है कि जहाँ पर राधा है, राधा वहाँ से निकलनी नहीं चाहिए। हालांकि दामिनी ने ये तक बोल दिया है कि मुझे लग रहा है कि राधा तो अब इस दुनिया में रही नहीं होगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि राधा को बहुत अच्छी मदद मिली है किसी और से नहीं बल्कि तुलसी से। जी हाँ, और अब कहीं ना कहीं बात की जाए तो अब दामिनी का इस घर से पूरी तरीका से खेल खत्म होने जा रहा है दोस्तों। जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से पूरी पोल पट्टी खुलती हुई नजर आने वाली है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नया दिलचस्प नज़ारा लाती हुई नजर आने वाली है जब इस चीज़ को बोलती हुई नजर आने वाली है दामिनी कि अगर हमारी पोल पट्टी खुलती तो हम यहाँ से तुरंत के तुरंत अपना पैकिंग करेंगे और निकल लेंगे। क्योंकि दोस्तों मोहन को तो डाउट हो चुका है, लेकिन मोहन की माँ को बहुत पहले से ही शक है और ये शक पूरी तरीका से यकीन में बदलता हुआ नजर आने वाला है। और जैसे ही यकीन में बदलेगा तुरंत ही कहानी एक नया मोड़ लेती हुई नजर आने वाली है दोस्तों। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग बहुत ज़्यादा कसम कसम में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार रास्ता क्या नया होने वाला है। क्योंकि बात की जाए दामिनी की, तो दामिनी को एक्सपोज करने के लिए अब तुलसी एक ऐसे प्रूफ देने वाली है आखिरकार दामिनी के खिलाफ राधा को। जी हाँ, राधा से बोलेगी कि राधा ये प्रूफ तुम मोहन को दिखाओ, और मोहन को दिखाओगी तो मोहन ज़रूर विश्वास करेगा। क्योंकि मोहन को अभी तक विश्वास नहीं है कि दामिनी कुछ ऐसा भी कर सकती है, क्योंकि दामिनी पर लगातार आरोप जो लग रहे हैं मोहन मानने के लिए तैयार नहीं है दोस्तों, क्योंकि उसे हर बात झूठी लगती है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करके जरूर बताइएगा।